इट इज़ बेटर कि अगर आपको वेट कंट्रोल करना है तो आप नेचुरल स्वीटनेस का यूज़ करें, बट अगेन आप क्वांटिटी को ध्यान रखें और साथ में साथ अपनी डाइट के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मधु जी, कि जो हम स्वीटनेस से कैलोरीज ले रहे हैं उसको हम कैसे बर्न कर रहे हैं, कितना बर्न कर पा रहे हैं और उसके उसको बैलेंस आउट कैसे कर रहे हैं। तो डाइट के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी जो आई थिंक फेस्टिवल सीजन में एक सबसे बड़ा हमारा नेगेटिव हो जाता है कि हम लोग बिल्कुल ही फेस्टिव मोड में आके अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भूल जाते हैं। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू टेक ऑन। हाय एवरीवन, दिस इज विदुषी एंड यू आर वाचिंग द गुड हेल्थ शो। और आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में। फेस्टिवल सीजन आ चुका है और फेस्टिवल के साथ आते हैं रसगुल्ले, मिठाइयाँ, काजू कतली और बहुत सारी बीमारियाँ भी। तो आज हमारे साथ है डाइटिशियन दीप्ति खटूजा जी। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हाय, थैंक यू मैम, आपका विदुषी, थैंक यू सो मच, फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मैम, फेस्टिवल जब आते हैं ना तो हर जगह मिठाइयाँ दिखती हैं, हर जगह मिठाइयाँ दिखती हैं, चाहे चॉकलेट्स हों चाहे फिर लड्डू हों, हर जगह। और हम कितना भी अपना शुगर कट कर रहे हों, कितना भी हम हेल्दी डाइट फॉलो करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन जब फेस्टिवल आते हैं तो सबकी डाइट ख़राब होती है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या सब्स्टिट्यूट है और कितना हेल्दी है हमारे लिए स्वीट। और स्टार्ट करते हैं मिथ से। तो मैम, सबसे पहला मिथ तो यही आता है कि अगर आप स्टीविया कंज्यूम कर रहे हैं या फिर जैगरी कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप हेल्दी रहेंगे। सी, आई वुड से इट्स अ मिथ, बिकॉज चाहे आप किसी भी फॉर्म में शुगर का इस्तेमाल करें, आर्टिफिशियल स्वीटनर है या नेचुरल शुगर्स हैं, क्वांटिटीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। और कभी भी आर्टिफिशियल स्वीटनेस अननेसेसरी, एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट वी नेवर रिकमेंड अनटिल अनलेस क्लिनिकली नो हो, तब तक अननेसेसरी नेचुरल शुगर्स को आपने रिप्लेस नहीं करना है। मिनिमल अमाउंट्स में इट हैज़ टू बी टेकन। ओके, सो वी कैन से कि नॉट ऑल नेचुरल स्वीटनर्स आर हेल्दी। यस, और इट माइट बी हेल्दी, बट आपकी क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्वांटिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक्सेस ऑफ किसी भी चीज़ का लेंगे, चाहे वो नेचुरल है चाहे वो आर्टिफिशियल है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमेशा दिखेगा। एंड मैम, इफ वी टॉक अबाउट नेचुरल स्वीटनर्स, सो दे आर कैलोरी फ्री? It's a myth. Natural sugar will always have the calories. Okay. It can have minimum calories. So there are different categories of natural sugars: less calorie, high moderate calories, and high calorie. And the artificial sugars are normally created sweeteners which have a zero calorie. Okay. But again, their harmful effects are in another side effects of the health that we find. एंड मैम, कहते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं वो कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। यस, इट्स अ ट्रू एंड इट्स अ फैक्ट। ओके, इट हैपेंस। यस, एंड मैम, दे आर ऑलवेज बेटर फॉर वेट लॉस देन रेगुलर शुगर। सी, बिकॉज इट हैज जीरो कैलोरीज, सो अगेन इट विल हेल्प इन द वेट लॉस। बट इफ यू सी द साइड इफेक्ट्स ऑफ ओवर कंज्यूमिंग बींग कार्सिनोजेनिक, एंड देर हैव बीन सम स्टडीज जिसमें ये शो किया गया कि अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को भी एक्सेस में लेते हैं तो वो वेट लॉस से ज़्यादा वेट गेन को एड करता है। सो अगेन, एज आई सेड, क्वांटिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन शुड ट्राई रिस्ट्रिक्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स अनटिल अनलेस देयर इज अ मेडिकल रिक्वायरमेंट लाइक डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और सो। मैम, बहुत सारे लोगों को ना ये कन्फ्यूजन रहती है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और नेचुरल स्वीटनर्स को लेकर। उनको समझ नहीं आता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नेचुरल स्वीटनर वो कंज्यूम कर रहे होते हैं बट उनको लगता है कि नहीं नहीं ये तो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, आर्टिफिशियल कंज्यूम कर रहे होते हैं तो लगता है कि नेचुरल है। तो आई रियली वॉन्ट कि आप हमारे ऑडियंस को अच्छे से बता दीजिए कि नेचुरल स्वीटनर क्या होता है और आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होता है एंड कौन सा कितना हेल्दी और कितना हार्मफुल है। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया विदुषी आपने। देखिए, जो नेचुरल शुगर्स हैं उसमें हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज हमेशा होंगी, वो कभी भी ज़ीरो कैलोरी नहीं होते हैं। तो नेचुरल स्वीटनर्स का सबसे बड़ा कंसिड्रेशन अगर हम देखें तो वो चाहे मिनिमल कैलोरीज हों लेकिन उसमें कैलोरीज होंगी। लेकिन अगर उसी की तरफ हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स देखते हैं तो उसमें बेसिकली वो प्रोसेस शुगर्स स्वीटनर्स हैं जो कि ज़ीरो कैलोरी होते हैं। सो अगर हम बात करें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स तो उनका ज़ीरो कैलोरी। अगेन, अगर आप एक्सेस में कर रहे हैं तो कार्सिनोजेनिक और वेट गेन एबिलिटी जो है वो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है आर्टिफिशियल स्वीटनेस का। अगर आप ओवर यूज़ कर रहे हैं, आज की डेट में इवन स्टडीज़ ये भी शो की गई हैं कि
आर्टिफिशियल स्वीटनेस का दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसबायोसिस इन द गट, दैट इज जो हमारी माइक्रोबायोटा, कितना हेल्दी हमारा गट है, कितने हेल्दी बैक्टीरिया हमारे गट में पाए गए हैं, उसके बैलेंस को भी हिला देता है अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में नेचुरल शुगर्स और आर्टिफिशियल शुगर्स का कंजम्पशन कर रहे हैं. सो मेजर अगर आप डिफरेंस देखें तो इट इज़ अबाउट द कैलोरी एंड द जीरो कैलोरी. यस, इन नेचुरल शुगर्स आई वुड से डिपेंड करता है कि हनी, जिसमें कि आपका कंपेरेटिवली द कैलोरी कंटेंट इज़ हायर एज़ कम्पेयर टू मेपल सिरप, और मेपल सिरप जो है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है. सो फॉर डायबिटीज़ इट इज़ बेटर टू हैव मेपल सिरप एज कम्पेयर टू द हनी. बट अगेन यू हैव टू मेक श्योर कि कितनी वेल कंट्रोल्ड आपकी डायबिटीज़ है, आपके पैरामीटर्स कितने वेल कंट्रोल्ड हैं. यू हैव टू गेट इन कोलैबोरेशन विद योर क्लिनिकल पर्सन एंड देन कम टू अ कंक्लूजन कि कितने डोज में हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं. ओके, सो क्वांटिटी मैटर्स अ लॉट. बट अगर हम लेस हार्मफुल स्वीटनर्स की बात करें तो नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है? देखो, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट नेचुरल शुगर्स आर बेटर. बिकॉज जैसे ही आप अपनी बॉडी को, जब आप रेगुलर यूज़ में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको किस तरीके से वो इम्पैक्ट करेगा. देखिए, दो साइड इफ़ेक्ट्स तो हमारे पास हैं साइंटिफिकली प्रूवन, लेकिन उसके अलावा हमारी बॉडी में उसके क्या और साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. सो इट इज़ बेटर कि अगर आपको वेट कंट्रोल करना है तो आप नेचुरल स्वीटनर्स का यूज़ करें. बट अगेन आप क्वांटिटी को ध्यान रखें और साथ में साथ अपनी डाइट के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मीनू जी, कि जो हम स्वीटनर्स से कैलोरीज ले रहे हैं उसको हम कैसे बर्न कर रहे हैं, कितना बर्न कर पा रहे हैं और उसके उसको बैलेंस आउट कैसे कर रहे हैं. तो डाइट के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी जो आई थिंक फेस्टिवल सीजन में एक सबसे बड़ा हमारा नेगेटिव हो जाता है कि हम लोग बिल्कुल ही फेस्टिव मोड में आके अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भूल जाते हैं. आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू टेक ऑन. ओके, और मैम जैसे आपने बताया कि डायबिटीज़ अगर किसी को है तो हनी ना कंज्यूम करके वो मेपल सिरप कंज्यूम कर सकते हैं. बट मैंने ऐसा भी सुना है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो शुगर बिल्कुल ज़ीरो कर देना है. सो इस पर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए कि शुड वी कंज्यूम इट और नॉट. येस, सो वी शुड एक्चुअली नॉट कंज्यूम इट. बिकॉज देखिए, जितनी भी मार्केट में शुगर है, चाहे आप वो वाइट शुगर कह लीजिए, चाहे वो आप ब्राउन शुगर कह लीजिए, मोर ऑफ इट इज़ द प्रोसेस्ड शुगर्स. सो जितना भी आप शुगर है, देखिए शुगर प्रोडक्शन से एकदम वो इमीडिएट फास्ट रिलीज ग्लूकोज प्रोडक्शन होगी और वो एकदम से शुगर बढ़ाएगी. बट इसी के कॉन्ट्राइंडिकेट में मैं ये बोलूँगी, देखिए कभी भी हमारी जो डाइट्स हैं, आजकल बहुत से मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो इस पर भी कन्फ्यूज रहते हैं कि मैम क्या इसका मतलब हम अनाज बंद कर दें, हम सब कुछ खाना बंद कर दें, हम फ्रूट्स बंद कर दें, क्योंकि शुगर तो देखिए हर चीज़ में होती है, राइट. तो मैं इस माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से यही बोलूँगी कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हर खाने में शुगर है. किसी में फ्री शुगर है, मतलब अगर आप वाइट शुगर्स की बात करें तो सिर्फ शुगर है, लेकिन बाकी जो हमारे खाने के तत्व हैं, चाहे वो अनाज हैं, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वो सब में होगा. तो शुगर डायबिटीज़ में सिर्फ शुगर से शुगर नहीं बढ़ती. अगर आपका कार्बोहाइड्रेट, टोटल बॉडी का कार्बोहाइड्रेट जो आपकी बॉडी की नीड है, अगर आप उससे पूरे दिन का कार्बोहाइड्रेट बढ़ा देंगे तो भी आपकी ब्लड शुगर्स वेरी करेंगी और फ्लक्चुएट करेंगी. तो बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हमने शुगर तो नहीं खाया लेकिन फिर भी हमारी शुगर्स बढ़ रही हैं. सो इट इज़ अबाउट द क्वान्टिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट दैट यू ईट, बिकॉज ग्लूकोज इज जस्ट अ कार्बोहाइड्रेट. How much sugar is so much sugar?